ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज वैशाख पूर्णिमा, वैशाख महीना का अंतिम दिन पूर्णिमा है, बहुत पवित्र तिथि है। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि समझा जाता है, जो वैशाख पूर्णिमा ऐसे अपने आप में यह पूर्णिमा है। भगवान कृष्ण की जो रास लीला होती है, प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान रास लीला करते हैं। आज के पूर्णिमा के दिन भगवान के रास लीला में सलिल विहार, सलिल मतलब पानी, पानी में जल विहार नौका से चाहे बिना नौका के भगवान जमुना जी में रात्रि के समय विहार करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बहुत, इसके अतिरिक्त आप लोग जानते होंगे आज के ही दिन
जो सुप्रसिद्ध श्री विग्रह है राधा रमन जी, राधा रमन मंदिर जो प्रतिष्ठित हैं, आज के ही दिन ही भगवान का वो श्री विग्रह प्रकट हुआ था। लेकिन पहले भगवान थे शालिग्राम शिला के रूप में, तो शालिग्राम शिला से वो जो भगवान का भी त्रिभंग ललित सुंदर श्री विग्रह है, तो भगवान अपने आप हो गए थे। वह भी आज के ही दिन अथवा आज की रात्रि के समय हुआ था, तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इसके अतिरिक्त तो हम लोगों के आचार्य परंपरा में जो अन्यतम आचार्य माधवेंद्र पुरी, उनका आज तिरोभाव तिथि है। आज के दिन उनके अप्रकट लीला माधवेंद्र पुरी की हुई थी, और भी बहुत से वैष्णवों के आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है, और भगवान जो जयदेव वंदना करते हैं दशावतार प्रेयर से। आप भगवान बुद्ध का नाम जानते हैं, बुद्ध, बुद्ध पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है, बुद्ध, भगवान बुद्ध। और घटना भी घटी थी आज के दिन, ऐसे तो भगवान हैं लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है, इनलाइटेनमेंट, सिद्धि मिली थी आज के ही दिन उनको। जैसे आप जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु राज्य में लुम्बिनी एक गाँव है, अभी वो नेपाल की सीमा में है, बॉर्डर पर है, वहाँ जन्म हुआ था। फिर भगवान तपस्या करने के लिए गया जी में गए, तो गया जी जो विष्णुपद मंदिर है उससे लगभग 10 किलोमीटर के दूरी पर एक बहुत पीपल का वृक्ष था, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान तपस्या किए थे बुद्ध भगवान, और आज के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। वहाँ से वे निकले और ज्ञान प्राप्त होने के बाद घूमते घूमते वाराणसी आए थे, बनारस, सारनाथ एक जगह है अभी, जहाँ पर भगवान प्रथम बार अपना उपदेश दिए थे, प्रथम उन्होंने मुंह खोला, जनता के लिए उपदेश दिया था। तो बहुत सी तिथियाँ हैं, हम सब तो नहीं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे राधा रमन जी के विषय में, कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। और चूँकि राधा रमन जी के प्राकट्य की लीला का वर्णन करते, स्वाभाविक है कि जिनके लिए, जिनके प्रेम से प्रभावित होकर भगवान प्रकट हुए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो थोड़ा सा हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में, और फिर माधवेंद्र पुरी के विषय में थोड़ी चर्चा करें, तो हमें संक्षिप्त होना चाहिए। राधा रमन जी का प्रकट आज की तिथि में हुआ था, गोपाल भट्ट गोस्वामी के आराध्य देव हैं, उनकी पूजा गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे, भगवान की पूजा। तो थोड़ा सा उनके परिचय इस प्रकार का है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद जगन्नाथपुरी गए, थोड़े समय तक, कुछ ही महीने भगवान चैतन्य महापुरुष जगन्नाथपुरी में निवास किए, फिर वहाँ से भगवान दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। 1511 में यह तिथि है, भगवान चैतन्य महापुरुष जगन्नाथपुरी से निकलकर दक्षिण भारत की यात्रा कर, तो यात्रा करते करते भगवान चैतन्य महापुरुष श्रीरंगम गए, भगवान का श्री विग्रह दक्षिण भारत से श्रीरंगम, और वहाँ पहुँचते पहुँचते चातुर्मास का जो महीना था, चातुर्मास का जो काल होता है लगभग प्रारंभ होने जा रहा, होने ही लगा,
भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रंगनाथ जी के दर्शन कर रहे थे, रंगनाथ श्रीरंगम में भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, तो उसी समय उस मंदिर के मुख्य आचार्य, अन्यतम आचार्य वेंकट भट्ट गोस्वामी, उसके इंचार्ज देख उस समय उस मंदिर के उस संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। स्त्री संप्रदाय से कहा जाता है, लक्ष्मी जी का संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य का मेन सबसे प्रसिद्ध पीठ समझा जाता है, गद्दी समझा जाता है, और उस काल में रामानुज संप्रदाय के अन्यतम आचार्य, सर्वश्रेष्ठ आचार्य पर पद पर प्रतिष्ठित थे वेंकट भट्ट गोस्वामी। वेंकट भट्ट गोस्वामी सभा को इंचार्ज थे, चेयरमैन थे मंदिर के व्यवस्था के, आध्यात्मिक और मैनेजमेंट हर एक दृष्टिकोण से। तो जब दर्शन वो भी कर रहे थे, भगवान भी कर रहे थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु इतने प्रेम से भगवान का दर्शन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवान को देखकर, चैतन्य महाप्रभु को देखकर वेंकट भट्ट गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव और विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य, कंदर्प कोटि कमनीय से कहा जाता है, करोड़ों कामों देवों को भी मोहित करने वाला सुंदर भगवान का विग्रह था, और उनका प्रभाव, सन्यासी भेष में चैतन्य महाप्रभु चमत्कृत हो गए। दर्शन करने के बाद वेंकट भट्ट गो गए, वो गृहस्थ से तो स्वाभाविक है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी भेष में से तो प्रणाम किए, चरण स्पर्श करके भगवान चैतन्य महाप्रभु का वेंकट भट्ट गोस्वामी। कुछ समाचार हुआ, कहाँ से आए हैं कौन, तो भजन चैतन्य महाप्रभु अपना परिचय बताए, कहाँ से हम आए हैं। वेंकट भट्ट गोस्वामी को उन चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देखकर ऐसा शक होने लगा कि यह मनुष्य नहीं व्यक्ति हो सकता है, यह कोई ऐसा कोई सुन वो शास्त्र के पारंगत विद्वान थे, शारीरिक जो लक्षण था, उन्हें सौंदर्य था और जिनकी महिमा थी, उसका भाव हाव भाव को समझ कर वो समझ गए कि यह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप भ्रमण कर रहे हैं, सन्यासी हैं, और चतुर्मास, चार महीने चतुर्मास पीरियड प्रारंभ होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको चतुर्मास में एक जगह स्थिर रहना होगा, कृपा ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मेरे घर पर रहिए और मेरे घर पर ही अच्छी व्यवस्था है, आप चतुर्मास व्रत कीजिए, चार महीने रुकिए। उन्होंने प्रार्थना किया नहीं, पहले उस दिन प्रार्थना नहीं किया, सॉरी, कहे कि आइए आज दिन का भोजन हमारे पास कीजिए, सन्यासी हैं तो कहीं ना कहीं भिक्षा करते हैं, भोजन तो आप बनाते नहीं हैं, तो आज हमारे घर पर आकर वो भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिए, कहे ठीक है, मैं दोपहर में, दोपहर के समय लगता है कि प्रभात के समय मुलाकात हुई थी, मैं आऊँगा। चैतन्य महाप्रभु ने उनके आमंत्रण को, इन्विटेशन को स्वीकार कर लिए, और दोपहर के समय चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी श्रीरंगम वो आइलैंड पर बसा हुआ, वहाँ पर जो कावेरी नदी है दो भागों में विभक्त हो गई है, एक उत्तर से एक दक्षिण से, और बीच में वो टापू जैसा है, आइलैंड जैसा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी में स्नान किए दोपहर के समय और उनके पास गए बड़े प्रेम से। आप कल्पना कर सकते कितना भारी वो, कितना उनका महत्व भाग्य है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंगन में अपने चरण कमल को रखे, और इसके बाद उन्होंने बढ़िया से प्रेम से श्रद्धा से आदर से भगवान चैतन्य महाप्रभु भिक्षा कराया, भोजन कराया। भोजन करा में थोड़ी बातचीत हुई तो वहाँ पर आंगन में ही बैठकर उन्होंने प्रार्थना किया कि आप सन्यासी हैं तो कहीं ना कहीं आप चातुर्मास करेंगे
ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि यहीं रह जाइए चार महीने, कहीं ना कहीं आपको रहना ही है, तो यह भी अच्छा है। भगवान का श्री विग्रह है मंदिर के नज़दीक में, हम लोग रोज दर्शन होता रहेगा, तीर्थ क्षेत्र है, कावेरी का तट है कावेरी ने, तो आप भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके इस आग्रह को भी, प्रेमाग्रह को स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं कहीं ना कहीं करना है तो यहीं कर लेते हैं आप। चैतन्य महापुरुष चार महीने उनके घर पर रहे, चार महीने, एक दो दिन नहीं, कुछ दिन पहले हो सकता है, पहले चार चालू होने से एक दो दिन पहले ही गए थे, तो वह भी गिन लीजिए। तो उनके घर में एक उनका एक पुत्र था, 8 वर्ष का लड़का था, उसका जन्म गोपाल भट्ट, गोपाल नाम था, गोपाल भट्ट, भट्ट सरनेम है, फैमिली नेम है भट्ट, ऐसे नाम था गोपाल। चैतन्य महाप्रभु 1511 में गए थे और उस समय वह बच्चा 8 वर्ष का था। आप लोग में से कोई बता सकते हैं उसका किस सन में जन्म हुआ होगा? 11 में 8 वर्ष का था, आए 1503, ठीक, आप अच्छा कैलकुलेट कर, अच्छा आपका कैलकुलेशन। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी 8 वर्ष के थे। तो अब हम तो वो वर्णन नहीं, हमें यहाँ पर राधा रमन जी के वर्णन में आना है, तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रुक गए। तो ऐसा वर्णन किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु रोज प्रतिदिन का भिक्षा उनके यहाँ ग्रहण नहीं किए, क्योंकि बाजू के ब्राह्मण वो लोग इन्वाइट करते थे एक दिन हमारे यहाँ, तो भगवान जाते थे, लेकिन रात्रि जो निवास होता था अथवा भोज प्रसाद ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के गोस्वामी के यहाँ, तो वही उनका निवास था, ऑफिशियल निवास, वहीं रहते थे। तो वेंकट भट्ट गोस्वामी तो बड़े थे, उनकी सेवा भगवान तो स्वीकार कर नहीं सकते थे, उम्र में बड़े थे, आचार्य थे, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने इस बच्चे को कह दिया कि बेटा जब भी भगवान चैतन्य महाप्रभु सोते हैं रात्रि के समय, और दिन में भी थोड़ा आराम चैतन्य महाप्रभु करते थे भिक्षा के बाद 10-15-20 मिनट के लिए, सोते थे नहीं लेटते थे, तो यह लड़के को सौभाग्य मिला चैतन्य महाप्रभु के पाद संवाहन का। 8 वर्ष का प्रतिदिन 2 बार, कम से कम 2 बार, जब भी देखता था तो लौट कर प्रणाम करता था। बच्चा था, पिताजी की आज्ञा था कि सन्या साधु हैं, महात्मा हैं, तुम्हारे घर पर आए हैं, तो खूब बढ़िया से प्रणाम करता था, पैर पकड़ कर एकदम अपना माथा था भगवान चैतन्य महाप्रभु के पाद मूल के एकदम सटा कर रखता था, प्रणाम करता था। चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक रहे, वो तो भ्रमण कर रहे थे, जाने लगे, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी के घर पर क्या कहते हैं, रोवन पीटन, समझते हैं ना एकदम, पत्नी थी, बच्चे हैं, वो हैं, ये लड़का अब तो चले जाएंगे तो किसकी सेवा करेगा, पर देख भी नहीं सकूँगा, प्रणाम भी नहीं कर सकूँगा कैसे, तो और तो लोग रो रहे थे, लेकिन यह लड़का बहुत रो रहा था कि भगवान, वो भगवान नहीं उस समय समझता था, वो तो हमने साधु हैं, महात्मा हैं, हमसे इतना प्रेम करते थे, तो कह रहा, लड़का कहने लगा कि मैं भी चलूँगा, अब तो 8 वर्ष का था तो और भी मैंने 9, 9.5 वर्ष का हो गया, तो कह रहा था कि मैं भी चलूँगा, और एकदम मानता ही नहीं चैतन्य महाप्रभु कि नहीं रहो रहो रहो, तुम रहना चाहिए माता पिता हैं, लेकिन एकदम से जिद पर आ गया, रोने लगा कि नहीं मैं चलूँगा। तो भगवान अब अस्वीकार कैसे कर सकते थे उसके आग्रह को, प्रेम से आग्रह कर रहा था, रो रहा था, दोनों नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे बच्चे के। तो भगवान कृपा करके कहे चैतन्य महाप्रभु के बेटा अभी तो नहीं, देखो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हैं, माता पिता की सेवा करो, और जब तुम्हारे माता पिता का परलोक गमन हो जाएगा, भगवान के धाम में चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा, तुम चले आना वृंदावन, मैं इवेंचुअली घूम भांग कर यात्रा करके वृंदावन भी जाऊंगा, तो तुम तो वह
दड़ का प्रतीक्षा किया गोपाल भट्ट काफ़ी वर्षों तक। आप लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु अपना लीला स्मरण किए 1534 में, जानते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 1486 में, और 1486 और 48 वर्ष, तो 1534 में चैतन्य महाप्रभु का अपना लीला समाप्त किए जगन्नाथपुरी में। उसके विषय में बीच में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे सब लोग, तो उसके पूर्व वहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता का निधन हुआ, और जब वे उनके माता पिता गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता मृत्यु सज्जा पर थे, उस समय अपने बेटे को गोपाल भट्ट को गोपाल भट्ट गोस्वामी को आग्रह की बताया कि बेटा हम लोगों का जो तुरंत भाव था तुम कृपा करके चैतन्य महाप्रभु की सेवा में चले जाना, वृंदावन चले जा। चैतन्य स्वीकार किए, तो उसको जाने खुद इच्छा थी। जब माता पिता का तिरोभाव हो गया तो चैतन्य महाप्रभु के लीला स्मरण से पूर्व, मतलब 1534 के पूर्व वृंदावन वृंदावन आ गया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सभी गोस्वामी प्रेजेंट थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब लोग बढ़िया आदर किए, आए सम्मान किए, और यह खबर भेजा गया भगवान चैतन्य महाप्रभु को कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आ गए। तो यह समाचार रूप गोस्वामी ने स्वयं पर्सनली चिट्ठी लेकर किसी व्यक्ति को भेजकर चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महापुरुष सुने कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए तो बड़ी प्रसन्नता हुई। चैतन्य महापुरुष स्वयं कौपीन और बहिर्वास, कौपीन आप लोग जानते हैं, अब हमें पता नहीं है भगवान अपना ही पुराना कौपीन दिए थे कि ऐसा नया बनवा कर भेज दिए थे, हमें को पता नहीं है, लेकिन भेजे थे कौपीन और बहिर्वास, और भी थोड़ा सा सामान भेजे थे कि वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए है, और एक चिट्ठी भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से लिखे थे, एक चिट्ठी लिखे थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए उसमें निर्देश था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे यापन करना चाहिए। बड़े स्नेहपूर्वक चैतन्य महापुरुष पत्र में इसके लिए निर्देशन उपदेश लिखे थे। तो वहाँ वस्तु वो व्यक्ति लेकर आया चिट्ठी, और वो सामान लेकर आया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को अर्पित किया गया। गोपाल भट्ट गोस्वामी कितना प्रसन्न हुए होंगे हम लोग उसे कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का हस्त लिखा, हाथ से लिखा हुआ, टाइप नहीं किए थे, एकदम अपने उंगलियों से पकड़कर कलम को चैतन्य महाप्रभु लिखे थे। कितना बढ़िया हैंड राइटिंग होगा आप लोग कल्पना कर सकते, खूब बढ़िया बढ़िया लिखते होंगे चैतन्य महाप्रभु, अच्छी हैंड राइटिंग होगी। चिट्ठी, पन्ना, कागज मिला, और उसमें उपदेश क्या करना है, कैसे करना है, क्या, हाँ वृंदावन में कैसे निवास करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, खूब बढ़िया ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं थी, वो जानते थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने स्नेहपूर्वक उनको बताया था। तो ये बहुत बढ़िया समारोह हुआ, भक्तों को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु इतना स्नेह करते हैं, भूले नहीं हैं बच्चे को जो कई एक वर्ष वहाँ देखे थे, मिले थे, उसकी सेवा को भगवान चैतन्य महाप्रभु भूले नहीं हैं। फिर इनके साथ रहने लगे, और आप लोग जानते होंगे कुछ वर्ष के बाद चैतन्य महाप्रभु का मैंने लीला स्मरण करी 34 में। इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार मुक्तिनाथ न नेपाल में है, गंडकी नदी पे यात्रा किए थे, और वहाँ से शालिग्राम शिला भगवान ही, भगवान वहाँ पर गंडकी में एक विशेष क्षेत्र में भगवान ही पत्थर के रूप में रहते हैं, वो भगवान ही हैं लेकिन पत्थर के शिला के रूप में भगवान निवास करते हैं। गए थे और वहाँ से शिला लाए थे, शालिग्राम शिला, उसे पूजा कर वहाँ गंडकी से लाए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, बढ़िया से कर रहे थे ला कर यहाँ, और उसी क्रम में एक बार वो हरिद्वार की यात्रा किए थे,
हरिद्वार जा रहे थे तो पैदल गए थे सहारनपुर, एक सिटी है आप लोग जानते होंगे, हरिद्वार के रास्ते में आते जाएंगे तो हरिद्वार जाने में सहारनपुर तो सहारनपुर के नज़दीक में एक देव बंदे गांव था, अथवा अभी होगा भी अभी उस गांव में गए तो एक ब्राह्मण दंपति, ब्राह्मण थे वो लोग, उनका स्वागत, उनके घर रुक गए तो उनके घर रुक गए सेवा सत्कार के गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो यह पता लगा कि वो उनको कोई संतान नहीं थी, ब्राह्मण कोई पुत्र था पुत्री नहीं थे, बेचारे दुखी थे। और एक महात्मा एक आ गए हैं, वृंदावन के महात्मा हैं, हरिद्वार जा रहे हैं तो स्वाभाविक है ब्राह्मण के पत्नी ने उनके भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, सॉरी गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में निवेदन किया कि हम लोगों को कोई पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, आप तो एक सिद्ध महात्मा हैं, हमारे भाग्य में तो नहीं है, हमारे ललाट में भाल में लिखा नहीं है, ब्रह्मा जी ने पुत्र पुत्री नहीं लिखा है, लेकिन आप सिद्ध महात्मा हैं, आप चाहेंगे तो ब्रह्मा के उस लेख को राइटिंग को मिटा सकते हैं और दे सकते हैं। तो साधु महात्मा हृदय द्रवित हो गया, भक्त थे, प्रेमी भक्त थे, उन्हें ठीक है आप लोगों को भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त होंगे, वो तो एक की आशा किए थे लेकिन कि पुलरल में निकल गया, बहुवचन में बोल दिए आपको पुत्र होंगे, पुत्र होंगे समझते, हिंदी में बोलने में पुत्र होंगे मतलब कि पुत्र होगा मतलब, और होंगे मतलब एक से ज़्यादा, पुलरल से कहते हैं, बहुवचन में बोल दिए थे, इनके मुंह से निकल गया था बेचारे उन लोगों ने तो आग्रह किया था एक ही पुत्र के लिए, तो जे भी उन्होंने पुलरल में बोला बहुवचन में आपके पुत्र होंगे, तो तुरंत उन्हें संकल्प लिया, उनके चरणों को पकड़कर गोपाल भट्ट गोस्वामी आपने हम पर कृपा की दो, जो प्रथम पुत्र होगा वो आज ही हम उसको समर्पित आपके चरणों में मैंने उसको भेज दें यह संकल्प से रहे। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन सब यात्रा करके वृंदावन आ गए तब 1542 मैंने चैतन्य महाप्रभु का लीला संवरण के थे 34 में और 42 में आज का दिन था, यह जो तिथि है पूर्णिमा की तिथि, इसके एक दिन पहले, आज तो तिथि थी, एक दिन पहले क्या हुआ, मैंने नृसिंह जयंती को वो दिल्ली उल्ली से लोग आते हैं, एक रिच व्यक्ति आया, सेठ आए और सेठ आए हैं तो क्या कहते हैं नृसिंह चतुर्दशी है, भगवान को कुछ श्री विग्रहों की सेवा करना चाहिए, वैष्णव सेवा करना चाहिए, साधु सेवा करना चाहिए, तो धनी व्यक्ति खूब उदारतापूर्वक सामान लाए थे, जानते थे कि हाँ साधु महात्मा लोग मंदिर रखते हैं श्री विग्रह के, तो श्री विग्रह की सेवा के लिए मतलब यहाँ आए थे, बंसी अनेक बंसी, एक ही नहीं लाए थे बंसी, अनेक भाई सभी मंदिरों में जहाँ तहाँ देना है मुकुट लाए थे, भगवान को जो मुकुट पहनाया जाता है श्रृंगार नुपुर इत्यादि, नुपुर भी लाए थे और यहाँ दर्शन कर दे, दर्शन करते करते वो मिल गए गोपाल भट्ट गोस्वामी से पूछा उन्होंने नहीं, विग्रह तो रखे थे मैंने शालिग्राम शिला रखे थे, लेकिन उन अपेक्षा यह थी कि वृंदावन जो रहता है मतलब श्री कृष्ण का विग्रह रखा होगा, त्रिभंग ललित विग्रह, तो बिना पूछे दिए सामान, भगवान के श्रृंगार की वस्तु, श्रृंगार के जो कपड़े पर कपड़ा को पीताम्बर धोती लाए थे, क्या क्या थे मुकुट लाए थे, कपड़े लाए थे, कुर्ता बनाकर ऐसे छोटा बड़ा नुपुर भी लाए थे, नुपुर जो पैरों में बांधा जाता है, कुछ हाथ में बांधा जाता है, वह गहना लाए थे और उनको अर्पित कर दिए, ये लीजिए आपके भगवान की सेवा के लिए, कुछ पैसा भी दिए, उस सेवा की सामग्री भी दिए और ये सब वस्तुएं अलंकार आभूषण दे दिए और देकर बेचारों चले गए, ज़्यादा देर तक रुके नहीं। संध्या के समय, संध्या हुआ मैंने कल की संध्या, नृसिंह आज की नहीं, शालिग्राम के सेवा के पूजा कर, वहीं पर वो सामान रखा था, बंसी रखा हुआ था, नूपुर रखा हुआ था, अलंकार गहने और कपड़ा रखा हुआ था
वो मूर्ति है शालिग्राम शिला के बाजू में ही, वो भगवान को ही अर्पित किया था, वहीं रखा पूजा कर रहे थे इनके पूजा में। अब क्या करें, वही उनको त्रिभंग ललित भगवान का जो श्री विग्रह रास बिहारी कृष्ण का वो आ रहा था, छवि भर रही थी, और एक तरह से पश्चाताप रिग्रेट हो रहा था, दुख हो रहा था कि हमारे भगवान हैं, भगवान ही हैं, वही कृष्ण ही हैं इस रूप में, लेकिन हे भगवान मैं जो अलंकार है या भूषण है उसका कैसे। तो वही भगवान के त्रिभंग ललित मूर्ति का ध्यान करते हुए और मन से अभिलाषा करते हुए कि यदि हमारे पास श्री विग्रह होता तो इनसे मैं बढ़िया से भगवान का श्रृंगार कर देता। लेट हो गया, संध्या के समय अकेले थे, पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ करने के बाद सो गए, लेकिन वही भगवान की त्रिभंग ललित मूर्ति श्री विग्रह, जबकि वो शालिग्राम शिला के रूप में थे, लेकिन त्रिभंग ललित मूर्ति का ध्यान करते हुए शयन किए। लेट इवनिंग को रात्रि में, सुबह में प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग गए, गए जमुना जी में स्नान किए, और जमुना जी में स्नान करने के बाद आए, आने के बाद स्वाभाविक है तिलक इत्यादि जो कुछ श्रृंगार करके अपना भगवान को जगाने के लिए गए। भगवान को उठाया जाता है सुबह में, शाम को सुला दिया जाता है शयन आरती के समय, फिर सुबह में भगवान को जगाया जाता है। मतलब शालिग्राम शिला जो है उनको तो 12 शिलाएं थी, तो ऐसे रख दिए थे और ऊपर से एक आवरण जैसा रख भगवान को सुला कर रख दिए थे। सुबह में जब आए तो देखे कि कुछ वो उठा हुआ है, जो आवरण था ऊपर से ढक्कन था ऊपर उठा है। बड़ा आश्चर्य कि यह कैसे हो गया। दूसरा तो कोई पुजारी नहीं था कुछ किया, रात्रि के एकदम शयन समय के साथ प्रभात में तो उन्होंने देखा, जे ही पट उघारा बक्ष को ऊपर क्या उस कपड़े को उघारा, तो जो भगवान थे राधा रमन जी मंदिर जिसका आप लोगों को दर्शन किए ही हुए सब करते, भगवान 12 शिलाओं में से एक शिला, सबका नाम रखे थे, एक शिला का नाम दामोदर शिला रखे थे, लोग नाम रखते हैं नृसिंह शिला वो शिला शालिग्राम, तो उसमें जो दामोदर शिला जिस शिला का नाम वो रखे थे वही भगवान इस रूप में हो गए। तो अभी जो भगवान श्री है आज के ही दिन भोर में, आज के प्रभात काल में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान इस रूप में हो गए। तो यह जो भगवान का स्वयं प्रकट स्वयंभू मूर्ति है, इसको किसी कारीगर ने भी नहीं बनाया, मूल श्री विग्रह षट गोस्वामियों के सब सर्वथा मूल सूर्य विग्रह है यह, यहीं पर वृंदावन। अन्य विग्रह जो हैं जैसे गोपीनाथ जी हैं, चाहे आप लोग राधा गोविंद जी हैं, वो श्री विग्रह यहाँ नहीं है ब्रज में। तो षट गोस्वामियों के स्वयं प्रकट श्री विग्रह में से अन्यतम श्री विग्रह राधा रमन जी का यहाँ श्री विग्रह है, यहाँ का दर्शन करना चाहिए। आप वो दिखाते हैं जो जब भगवान शालिग्राम से ही जब उस रूप में प्रकट हुए हैं, तो अभी भगवान के कंधे पर पीछे अभी भी थोड़ा सा वो शालिग्राम है उघरा हुआ है, जैसे बूल के जो वृषभ के बैल के जो होता है डील होता है, वैसा अभी भी वहाँ पर थोड़ा सा उसका अभी भी है। तो यह श्री विग्रह था आज के ही दिन, इस श्री विग्रह यह प्रकट हुआ था भगवान की सेवा। तो जब प्रकट हुआ तो गोस्वामियों को पता लगा, तो खूब बढ़िया से पता लग गया, सुबह में तो पता लगा आज के दिन रूप गोस्वामी सनातन सबको पता लगा श्री विग्रह प्रकट हुआ है सारी कथा पर। तो खूब बढ़िया से आयोजन हुआ, भगवान को अभिषेक करना है, मैंने प्रतिष्ठा तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह अभिषेक का खूब बढ़िया से उत्सव। उस उत्सव में सभी गोस्वामी लोग ब्रज के अन्यतम जो जितने साधु महात्मा लोग इकट्ठा हुए थे किए थे, तो आज के दिन हुआ था। इसके बाद भगवान की सेवा कर रहे थे, एक दिन संध्या के समय जमुना जी में स्नान करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी गए थे, तो वहाँ पर भगवान की स्मृति आ रही थी, जमुना जी के तट पर बहुत बैठकर जप किए, थोड़ा संध्या जैसा हुआ सूर्यास्त हो गया, वहाँ से आए आए तो देखे कि उनकी कुटिया के दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ है,
कुटिया आकर पहले ही बैठक तो पूछे कि बेटा तुम कैसे, तो उसने अपना परिचय बताया कि मैं सहारनपुर के नज़दीक एक गांव है देवबंदे वहाँ का हूँ। उसका लड़के का उसमें 12 वर्ष उम्र था, 12 वर्ष की अवस्था में चला तो पूछे कि तुम कैसे आए, तो बताया कि ऐसी घटना, वो तो इनको देखा नहीं था बेचारा लड़का, ये भी नहीं देखे थे गोपाल भट्ट ने, वो भी नहीं देख अपना परिचय बताया कि मैं इस गांव को हमारे माता पिता ने भेजा है, उन्होंने संकल्प किया था कि मेरा जन्म होगा तो आपकी सेवा में, तो उन्होंने हमको कहा कि बेटा चले जाओ, तो मैं वृंदावन आया हूँ अब हमको सेवा में स्वीकार। तो स्वाभाविक याद आ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद गया। उस लड़के ने बताया था कि उसका नाम गोपीनाथ, लड़के का नाम था गोपीनाथ था। तो फिर बढ़िया आदर के साथ ने स्वीकार किया उस बच्चे को, गोपीनाथ को लड़के पूजा, और पूजा का दायित्व तो अंत में वृद्धावस्था में उन्हीं को दे दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और वह आजीवन ब्रह्मचारी लड़का रहा गोपीनाथ। कुछ दिन के बाद उसका एक दूसरा भाई था, छोटा भाई जो हुआ था, दो ही भाई हुए थे, वो सब परिवार काफ़ी दिन के बाद आया, तुरंत ही नहीं काफ़ी दिन के बाद था। उसका नाम था दामोदर, दामोदर दास, माता पिता ने ही नाम रख दिया था। वो विवाहित हो गया था और उसके पत्नी और बच्चों के साथ वह भी आ गया, और काफ़ी समय के बाद आया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव 1578 में हुआ था, 75 वर्ष की अवस्था में वहाँ पर यहाँ पर उनका तिरोभाव हुआ। और इसके बाद राधा रमन जी का जो सेवा का दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वही परिवार गोपीनाथ तो ब्रह्मचारी रहा, उसका कोई संतान नहीं हुआ, उसका छोटा भाई था दामोदर, और दामोदर वह सेवा किया। फिर उसके तो अभी जो वंशज हैं यहाँ पर जो सेवा करते हैं अभी भी, तो उसी परिवार के, ब्राह्मण परिवार के, जो सहारनपुर के नज़दीक देवबंदे गांव है वहाँ के लोग हैं, उनकी सेवा पूजा होती है। थोड़ा हम माधवेंद्रपुरी जी के विषय में चर्चा करते हैं। माधवेंद्रपुरी जी के विषय में तो बहुत चीज़ कही गई है, तो हमें अवश्य ही थोड़ा संक्षिप्त होना पड़ेगा, और बहुत सी कथाएं हैं माधवेंद्रपुरी जी के विषय में, तो वह तो हम नहीं अब कहेंगे। उसमें से संक्षेप में एक लीला का वर्णन करते हैं, माधवेंद्रपुरी की वृंदावन की यात्रा, गिरिराज जी की यात्रा, गोवर्धन की यात्रा, और विशेषकर गोविंद कुंड की यात्रा। माधवेंद्रपुरी का जन्म के विषय में ऐसे इदंतया कुछ कहाँ नहीं जा सकता है, वर्ष के विषय में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ज़्यादा मान्यता है कि माधवेंद्रपुरी का जन्म 1445 में हुआ था। 1445 अधिकांश वैष्णवों की मान्यता है कि 1445 भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में हुआ था और इनका 1445 बहुत वैष्णव लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें निश्चिंत। फिर वो उनके जो प्रसिद्ध शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के, तो एक कमलाक्ष, कमलाख कहते हैं, कमलाक्ष मतलब अद्वैताचार्य, और एक ईश्वरपुरी, दो अन्यतम और भी शिष्य हैं लेकिन दो ईश्वर। और फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था लक्ष्मीपति जी से उडुपी में, उडुपी मध्वाचार्य के संप्रदाय में उस समय एक आचार्य थे, उनके साथ गए थे उडुपी, तो उन्होंने लक्ष्मीपति से संन्यास ग्रहण किया था, और फिर वो वृंदावन की यात्रा किए थे, ब्रज की यात्रा किए थे, पहले भी आए थे लेकिन एक बार आए थे। तो एक बार वो घूमते घूमते आए, तो उन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिए 84 कोस की यात्रा, और 84 कोस की यात्रा करते के क्रम में वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। गिरिराज जी की जब परिक्रमा कर रहे थे, हाँ, माधवेंद्रपुरी का एक व्रत था, हम लोग कैसे जीविका अर्जन करते हैं, खाते पीते हैं कैसे, उसके विषय में उनका अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति मतलब याचना मतलब मांगना,
तो उन्होंने व्रत लिया था कि मैं किसी से याचना नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं, मांगते नहीं थे। ऐसे स्वाभाविक थे, साधु थे, तो लोग देते थे, खाने से भी ज़्यादा देते थे, इनवाइट करते थे, लेकिन उन्होंने व्रत था अयाचक वृत्ति। ब्रज में आते थे तो मांगते नहीं थे, लोग साधु हैं तो ऐसे ही लोग जाकर दे देते थे। तो यात्रा करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, और परिक्रमा करते करते वो गोविंद कुंड पर गए। संध्या का शाम हो गया था, और दैव योग से उस दिन ऐसा था कि सुबह से शाम हो गया था, सूर्यास्त लगभग होने हो रहा था, किसी व्यक्ति ने उनको अर्पित नहीं किया था भोजन, तो दिन भर निराहार थे, भूखे थे, खाए नहीं थे। ऐसा बात नहीं कि उस दिन एकादशी था, चाहे कोई व्रत था, नृसिंह चतुर्थी, ऐसा नहीं, मिला नहीं था इसलिए निराहार थे। पानी पिए थे कि नहीं अब पता नहीं है, लेकिन कुछ खाए तो नहीं थे। तो संध्या के समय वहाँ पर गोविंद कुंड पर गए, वहाँ गोविंद कुंड का जो दक्षिणी तट है, आप लोग गोविंद कुंड का नक्शा जानते हैं, पश्चिम में गिरिराज जी हैं, मतलब पूरब में परिक्रमा मार्ग में है, परिक्रमा मार्ग है, उत्तर में अन्य और गांव है अथवा संकर्षण कुंड है, और दक्षिण में क्या है, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो लुकलुक दाऊ जी हैं। आ रहा है ना नक्शा कहाँ है गोविंद कुंड, तो उसका दक्षिण तट है, दक्षिण तट पर बैठे थे। अब एक कदम का पेड़ था, केली कदम, कदम दो प्रकार का होता है, केली कदम जो ब्रज में होता है वो केली कदम होता है। तो कदम वृक्ष के नीचे बैठकर पहले तो गोविंद कुंड में स्नान किए, स्नान करने के बाद माला निकाले और जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम राम राम। लगभग थोड़ा सा डस्क कहते हैं ना, सूर्यास्त हो गया था, रात्रि नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा रात्रि अब अंधकार छाने ही वाला था। जब कर रहे थे तब तक देखे कि उत्तर दिशा से एक छोटा सा 7-8 वर्ष का लड़का आ रहा है, दूर से ही उनकी दृष्टि पड़ी। ये बैठे थे दक्षिण तट पर, बैठे थे उत्तर कुंड के तरफ मुंह करके, तो देख कुंड के दूसरे साइड से गांव से अन्योर गांव से एक लड़का आ रहा है, एकदम सुंदर गोप भेष में, मतलब कपड़ा जो पहना था घुटने से ऊपर था, बड़ा सुंदर लड़का था, हाथ में एक थोड़ा सा छड़ी भी लिया था, एक लोटा लिया था, पात्र लिया था, और आकर तो ये जो देखे उस लड़के के सौंदर्य को तो एकदम इनका तो आंखें संतुष्ट हो गई, दूर से ही देखते देखते एकदम आंखें तृप्त हो गई, लगता था कि भूख प्यास एकदम मिट ही गया वो देखने मात्र से। तो अभी तो चकित थे, तब तक लड़का ठीक वो बैठे थे ठीक सामने, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फुट की दूरी पर आकर खड़ा हो। ये अब क्या कहें, तो ऐसा ही लग रहा था कि गांव का वेशभूषा से लगता था कि ग्वाला है, जादव है, गोप है, लेकिन ये जानते नहीं थे। ये कुछ अभी कुछ बोले तो बाण ही बंद हो गई, सौंदर्य को देख कर इतना सुंदर लड़का था कि अब नेत्रों से इतना अश्रु प्रवाहित, प्रेम के अश्रु प्रवाहित केवल देखने मात्र से, और वाणी से भी मुंह से भी पानी भर गए। तो ये बेचारे तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, तब तो वो लड़का ही कहा है। लड़का ने कहा कि महात्मा जी यह दुग्ध पात्र है, लोटा है, वो देख नहीं रहे थे कि उसमें क्या है, वो तो लोटा देख रहे थे, लेकिन वो लड़के ने बताया कि इसमें दुग्ध पा, इसमें दूध है, ये आपके लिए है। अरे अभी तो देख रहे थे, जब वो लड़के ने जो वाणी का उच्चारण किया हुआ तो वह वाणी इतना मधुर था, इतना प्रिय था, इतना आकर्षक था कि कान में प्रवेश किया तो लगता था कि कोई जबरदस्ती अमृत उलेट दिया, भुका दिया, और हृदय में वह वाणी तो गूंजती रही, वो मतलब भूल।
यह लड़का अभी तो कहा था कि इतना, और कंप्लेन भी करने लगा कि आप साधु हैं, महात्मा हैं, उपवास क्यों करते हैं, खाए क्यों नहीं है। साधु आपका जन्म, आपका जो है कि अधिकार है, इनिशिएशन सिद्ध अधिकार, दीक्षा सिद्ध अधिकार। यदि आपने वैष्णव की दीक्षा ली है, बाबा जी की दीक्षा ली, तो आपका दीक्षा सिद्ध अधिकार है माधुकरी मांगने का। क्यों नहीं मांगते हैं? आप यहाँ पर निराहार हैं, मेरे गांव के लिए, मेरी माँ के लिए बहुत भारी अपजस होगा। मेरी माँ का व्रत है कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति, विशेषकर साधु महात्मा, भूखे नहीं, खाली पेट नहीं सोना चाहिए। यदि इस गांव में कोई व्यक्ति खाली पेट सो गया, भोजन के अभाव में सो गया, तो मेरी माँ के लिए बहुत भारी दुख का विषय होगा। मेरी माँ का यह व्रत है कि इस गांव में कोई भी नहीं, विशेषकर साधु महात्मा तो नहीं ही सोना चाहिए। तो मेरी माँ ने आपके लिए दूध दिया है, आप कृपा करके पी लीजिए। तो उन्होंने माधवेंद्रपुरी बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान, उन्होंने पूछा, बहुत सी लीला है, हम थोड़ा संक्षेप होना पड़ेगा। माधवेंद्रपुरी पूछे कि बेटा, तुमसे तुम्हारा कंप्लेन है, तुम्हारा कंप्लेन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शिकायत, शिकायत ही कहते हैं। तुम भारी हम पर अभियोग लगा रहे हो, शिकायत कर रहे हो, पहले तुम ये बताओ कि मैं किसी से भी अपना मुंह नहीं खोला हूँ कि मैं भूखा हूँ। तुम कैसे जान गया कि मैं भूखा हूँ? सुबह से मैं कुछ खाया नहीं हूँ। या तुम 7-8 वर्ष के बच्चे हो, तो कोई त्रिकालदर्शी महात्मा तो हो नहीं हो, भूत भविष्य पर तुम कैसे जानते हो? तो भगवान छद्म भेष में थे, उनको एक गोप बालक का नाट्य करना था, यह नहीं कहना था कि भगवान। तो भगवान भी एक बार, अब क्या उत्तर देना, क्या उत्तर देना चाहिए? तो भगवान तुरंत, वो तो सरस्वती सिद्ध तुरंत प्लान बना दिए, बात हुई नहीं थी लेकिन तुरंत गढ़ दिए, अथवा हुआ भी होगा। कहे कि ऐसा है कि मेरे गांव की कुछ स्त्रियां जल भरने आई थी गोविंद कुंड में, जल भरने आई थी, तो उन लोगों ने देखा आपके मरियल, क्या कहते हैं, खाना नहीं मिलता है तो चेहरा कुमला जाता है ना, बिना खाए पिए। आपके चेहरे को देखकर वो स्त्रियां अनुमान कर ली कि आपने कुछ खाया नहीं है। और देखिए, और बच्चों खिलाती हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मिथ्या नहीं जा सकता एकदम। वो इस विषय में किसी बच्चे के चेहरे को देखकर, वो माताएं स्त्रियां हैं तो जान जाती हैं कि बच्चा खाया है कि नहीं खाया, भूखा है। वो दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते, बच्चे का पालन करते करते, खिलाते खिलाते, उनका बच्चे का कब पेट भरता है, कब वो भूखा है, उनको चेहरे देखकर जान जाती। और उन स्त्रियों ने मेरी माँ से जाकर कहा, माँ से उन्होंने कहा कि एक साधु बैठा हुआ वहाँ पर, वो खाया नहीं है। तो मेरी माँ विकल हो गई, दुखी हो गई, मेरे गांव में साधु भूखा, वो ये तो सन है। तो उसने तुरंत हमको जबरदस्ती भेजा कि जल्दी दौड़ कर जाओ, देखिए या दूध लीजिए, आपके आप पान कीजिए, और मुझे ज़्यादा समय नहीं है आपके साथ रहने का, मैं अभी जाता हूँ। पिताजी गाय दोहने का समय हुआ है, गोदोहन की बेला है, पिताजी आए होंगे, हमको बछड़े को पकड़ना है, पिताजी गाय दुहेंगे तो हमको बछड़े को पकड़ना है, तो गोदोहन में हेल्प करना है। मैं जाता हूँ और जाकर मैं, आप पी लीजिएगा, मैं गाय गोदोहन का काम समाप्त करके, पिताजी की सहायता करके, दूध को ठीक करके, माँ को देकर मैं आऊँगा, बर्तन लोटा ले जाऊँगा। यह कहकर भगवान जल्दी से दौड़कर भाग जा रहे थे, तो इनकी दृष्टि तो उन्हीं पट की हुई थी, देखते रहते जा रहे थे। एक पॉइंट पर गए तो एकदम दिखना ही बंद हो गए भगवान। तो वाणी सुने थे,
रूप देखे थे और जब दूध पिए, दूध तो पहले भी पिए थे, ये प्रथम दूधपान नहीं था उनका, लेकिन अब वो नहीं समझ पाए कि दूध है कि कुछ और है, इतना उसमें मधुरता था। इसके साथ ही जो पान किए तो उनके शरीर से जो प्रेम के, कृष्ण प्रेम के अष्ट सात्विक विकार है एकदम उफान लेने लगा, रोने लगे, मूर्छित होने लगे और प्रतीक्षा करते रहे कि पुनः उस बच्चे को देखने का, बातचीत करने का अवसर मिलेगा। लौटा रहा हमारे पास ही तो ले ही जाएगा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वचन दिया है लड़का, लगता है कि सत्यवादी है तो झूठा तो नहीं है, आना ही चाहिए उसको। जब करते करते उधर ही उत्तर की दूर से दृष्टि करते हैं कि अब आएगा कल, अब आएगा इस बार आएगा, कर नहीं, लड़का आया नहीं। सोए सोए बैठे बैठे उनको थोड़ा झपकी जैसी आ गई, नींद नहीं, जैसे कथा में आप लोग सो जाते हैं ना, इसको झपकी कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कथा सुनते समय अनुभव, तो उनको नींद नहीं आ गई, प्रतीक्षा कृत हल्की सी मैंने झपकी आ गई, तो झपकी आ गई तंद्रा इसे कहते हैं। तो बैठे बैठे उन्होंने स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा कि वो लड़का है, वही लड़का, लेकिन पहले तो जल्दी जल्दी से आया था, गोचारण करके तो धूली उली भी था, अब दूसरे बार आया स्वप्न में आया तो अब बढ़िया से स्नान कर लिया था उसका थोड़ा सा श्रृंगार, पहले तो बाल में कुछ धूली इत्यादि भी था, भगवान को उच्चारण करके गए थे, शाम के स्नान के जल्दी जल्दी आ गए थे, तो आए थे इस समय थोड़ा बढ़िया से है और उसी रूप में नहीं, अब थोड़ा सा एकदम जो कृष्ण भगवान का जैसे रूप होता है त्रिभंग ललित, उस रूप में बच्चा आया, लेकिन चेहरा तो वही था। आकर स्वप्न में ही बच्चे ने माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ा, कहा कि माधवेंद्रपुरी अब भगवान, अब त्रिभंग ललित रूप में स्वप्न में ही, मैं बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत दिन तक प्रतीक्षा कर रहा था, हाथ पकड़ा, चलिए हमारे साथ मैं दिखाता हूँ। भगवान ने कहा कि ले गए, हाथ पकड़ कर ले गए एक जगह झाड़ी में और कहे कि इस जगह पर मेरा श्री विग्रह है, मैं बहुत वर्षों से, अनेक वर्षों से यहाँ पर गर्मी सर्दी से मैं संतप्त हो रहा हूँ, आप मुझे निकालिए और मुझे पर्वत के ऊपर, गिरिराज जी के ऊपर मुझे प्रतिष्ठित कीजिए, मेरी सेवा कीजिए। मैं ललायत था कि आप कब आप आएंगे, आपकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आप हमारी सेवा करेंगे। तो ऐसे इसके बाद इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए, स्वप्न टूट गया उनका। तो स्वप्न टूटने के बाद वो आगे क्या किए वो बाद में कभी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री सना, श्री माधवेंद्रपुरी जी की।